के आंखों से मन की प्रेम के सारे रूप विसजना प्रेम चेत की कभी चांदनी कभी जेठ की धूप विसजना जी जिम्मेदार हो इसीलिए तो ये चाबियां तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन दारजी बार बार कुछ नहीं, एक बार मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, आज के बाद पूरा अकाउंट तुम संभालोगे। रखो चाबी अपने पास। तूने मुझे अपने अकाउंट की नहीं बल्कि अपनी सासों की भी चाबियां दे दी है गुरनाम सिंह। मुबारक हो मुंशी जी। मुंशी जी नहीं, अकाउंटेंट साहब कहो। नहीं नहीं, मैनेजर कहो। बच्चियां बिल्कुल सही कह रही है लाखी पुत्र। आइए अकाउंटेंट साहब, आपको आपका ऑफिस दिखा देते हैं। तो जी कभी कभी क्यों के साथ कौन भी पिस जाता है, लाखे के साथ भी यही हुआ है। जसविंदर के साथ साथ मैं इस पर भी शक कर बैठा था, पर वाहेगुरु जी बहुत बड़े हैं, वाहेगुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया है। लाखा सचमुच बड़ा ही लायक बच्चा है। वाहेगुरु जी इस पर अपनी कृपा बनाए रख। भोले शंकर, अरे तेरा कख ना रहे लाखा, धीरे धीरे यही कह के मरूंगा। कहता था कि जितना पूरे महीने में तूने नहीं कमाए उतना घर बैठे दे दूंगा। आई मर गया, पैसे तो कुछ दिए नहीं, ये मेरे नील दादी है मार मार के। आई मर गया, वो मर गया। ओ मुंशी पाजी, ओ मुंशी जी, ओ मुंशी जी मुझे माफ कर दो जी। ओ जी क्या है ना जी, मैं बहुत इमोशनल हूँ जी, और जज्बातों में बह के ना जी मैंने सच्ची में आपकी पिटाई कर दी। मार दिया? अरे भोले शंकर ये बता, तूने कहा नहीं मारा? कभी दर्द नीचे से निकलता है और कभी दर्द ऊपर से निकलता है। लखा देख, तेरे कहने पे इस झूठ पे मैंने तेरा साथ दिया, वो मर गया और तूने मेरी पिटाई कर दी लाखा। मुंशी जी, और जी वो जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुंशी जी। देखो जी अगर अगर ऐसी बात है ना जी, और जी मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा जी। तो दे तो लो जी। ये लो जी, ये रहा आपका इनाम और ये रहे मरम पट्टी के लिए पैसे। लेकिन इस पिंड में दोबारा नजर ना आना जी। हाँ जी। अबे लाखा भाई, आप मेरे पैसे वक्त पे भेजते रहिए तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ आने की। ओ मुंशी पाजी, ओ तुसी चिंता ना करो, हर महीने की 1 तारीख को मुंशी पाजी आपके घर में पैसे पहुँच जाएंगे। हाँ जी। चंगा जी। लेकिन मुंशी पाजी दोबारा इस पिंड में नजर ना आना। हाँ जी ठीक है जी।
गुरनाम सिंह, अभी तो सिर्फ तुम्हारे अकाउंट पर कब्जा किया है, पर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी जायदाद के साथ साथ तुम्हारी बेटी सिमरन दोनों बहुत जल्द मेरी हो जाएंगी। समर, पता नहीं कि क्या देकर गए हो मुझे। देने से पहले कम से कम ये तो सोच लिया होता, ना ही इसे मैं खुद पढ़ सकती हूँ और ना ही किसी और से पढ़वा सकती हूँ। पता नहीं इसमें तुमने क्या लिखा होगा समर। क्या करूं मैं इसका समर, किससे पढ़ाऊं? देखा बेबे, इसे कहते हैं लाखा नीति। एक ही मिनट में तेरे बेटे ने सारी गेम को बदल कर रख दिया। जिस घर में मेरी एंट्री नहीं थी ना बेबे, बेबे उसी घर में गुरनाम सिंह ने अपने हाथों से तेरे बेटे को ये चाबियां दी थी। क्यों बेबे, मान गई ना अपने पुत्र को? पुत्र, मैं तो तुझे उस दिन मानूंगी जिस दिन तू सिमरन की डोली इस घर में लेकर आएगा। तू चाहे लाख मैदान मार ले, जब तक सिमरन तेरे हाथ नहीं आती तेरी लाखा नीति किसी काम की नहीं। ठंड रख बेबे, ठंड रख। वो क्या होता है ना, कभी कभी ज्यादा गर्म खाना खाने से ना मुंह जल जाता है, और कभी कभी जब बंदा बहुत लंबी छलांग मारता है उसका पैर भी मुड़ सकता है बेबे, चोट लग सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सबर रख। ना पुत्र, बहुत सबर कर लिया मैंने। मैं तेरी तरह अकाउंट की चाबियों से सबर करने वाली नहीं हूँ। मुझे तो सबर उस दिन आएगा जिस दिन गुरनाम सिंह खुद सिमरन का हाथ तेरे हाथ में देगा। 12 घंटे, 12 घंटे। तेरा पुत्र तेर से वादा करता है कि 12 घंटे में सिमरन मेरी हो जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं बेबे, सिर्फ 12 घंटे सबर रख। पुत्र, 12 घंटों में ऐसा क्या कर लेगा तू कि सिमरन तेरी हो जाएगी? कुछ नहीं बेबे, मैं सुबह घर से खेतों में जाऊंगा और वहां पर ऐसी घुंटी घुमाऊंगा कि घर वापस आने तक सिमरन मेरी हो चुकी होगी। बस बेबे, तू सुबह तक सबर कर ले, सुबह तक। सतनाम श्री वाहे गुरु।
दादी। और क्या हुआ तूफान में लो? हमारे खेतों में पानी वापस आ गया है दादी। क्या? हाँ दादी, निकी सच कह रही है, हमारे सूखे खेतों को आज वापस पानी मिलने वाला है। पर ये पानी आया कैसे? ये चमत्कार लाखा भैया ने किया है दादी। हाँ दादी, लाखा भैया ने सारा पानी हमारे खेतों की तरफ मोड़ दिया, फिर जो भी पिन वाला बीच में आया उन्होंने उसकी बहुत पिटाई की, फिर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई पानी वापस मोड़ने की। पर एक बुरी खबर है दादी। क्या पुत्र जी? लाखा भैया को भी थोड़ी चोट लगी है दादी। एक बुरी खबर है दादी। क्या पिताजी? लाखा भैया को भी थोड़ी चोट लगी है दादी। लाखे पुत्र को चोट लग गई है। हे वाहेगुरु, लाखे की रक्षा करना। ओए रब्बा, 12 घंटे होने वाले हैं और ये दार जी है कि आने का टाइम ही नहीं ले रहे। और यार कहीं सारे किए पर आएगा मैं पानी ना फिर जाए। ओए रब्बा, ओ यार वो दर्द हो रहा है यार। लाखे पुत्र, मिनट, तुझे चोट लगी है भाई? तबीयत ठीक तो है अभी? दादी, आप इधर इतनी सवेरे सवेरे? मुझे अभी अभी पता चला है कि तुझे चोट लग गई है, अभी तबीयत कैसी है पुत्र जी? ओ दादी, मामूली सी चोट है जी, एक दो दिनों में ठीक हो जाएगी। लाखा पुत्र, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, पर इतना कह सकता हूं कि अगर मेरा बेटा होता ना तो वो भी मेरे लिए शायद इतना ना करता जितना तुम कर रहे हो पुत्र जी। पता नहीं मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगा। ना दारजी, ना दारजी, एक तरफ तो आप अपने बेटे का दर्जा दे रहे हो और दूसरी तरफ एहसानों की बात करके बेगाना बना रहे हो दादी। चल, नहीं करता तुझे बेगाना मैं। लाखा पुत्र, मैंने तुझे बेटा कहा है, बेटा, और आज मैं बहुत खुश हूं। आज तो गुरनाम सिंह से कुछ भी मांगेगा ना तो गुरनाम सिंह मना नहीं करेगा। दादी, मैं आपसे मांगना तो बहुत कुछ चाहता हूं जी, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं आप मुझे मना ना कर दो दादी। लाखा पुत्र, तुझे मैंने बेटा कहा है तो अगर मेरी जान भी मांगेगा ना तो भी दे दूंगा, तू मांग के तो दे। दादी, मैं हमेशा से आपके जैसा बनना चाहता था जी। आपने मुझे अपने घर में रखा, मेरी इज्जत रखी, और तो और सिमरन जी के लिए मेरे ब्याह की बात भी की। वो बात अलग है कि ब्याह नहीं हो पाया, पर जी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि सिमरन जी के लिए समर पाजी से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता था। वो तो जस मैडम थी जिनकी हरकतों की वजह से आपकी और आपकी बेटियों की पूरे पिंड में इतनी बदनामी हुई। मुझे बहुत बुरा लगा दारजी, बहुत बुरा लगा। सिमरन जी का ब्याह टूट गया, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगे, सिमरन जी के ब्याह के लिए आप पूरे पिंड के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लोगों के सामने हाथ जोड़ते रहे, पूरे पिंड में आपकी नजरें झुक गई जी। अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, जिसकी इज्जत के पूरे डंके बसते थे पूरे पंजाब में दार जी, आज
आज उनकी बेटियों का हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं। तारजी मुझे बहुत बुरा लग रहा है जी, बहुत बुरा लग रहा है। आप मेरे आदर्श। तारजी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिससे आपके झुका हुआ सर फकर से वापस ऊंचा हो जाए। लेकिन दारजी ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सिमरन जी का ब्याह नहीं हो जाता। दारजी वाहे गुरु जी के वास्ते मेरी एक छोटी सी बात मान लो, छोटी सी बात। दारजी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पिंड वाले क्या बोलेंगे। दारजी मैं सिमरन जी के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हूं। शायद पिंड वाले कुछ भी बोल, तैयार हूं दादी, मैं तैयार हूं। लाका पुत्र, तूने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है से यह साबित होता है कि तू दिल का बड़ा ही नेक इंसान है। लेकिन आज मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगकर तूने यह साबित कर दिया है कि तू आत्मा का भी नेक इंसान है। आज जहां पूरे पंजाब में मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, वहां तूने खुद मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगकर मेरा बोझ हल्का कर दिया। ये मैं वादा करता हूं कि अगर सिमरन का ब्याह होगा तो सिर्फ लाके के साथ होगा। ये गुरनाम सिंह का वादा है। गुरनाम सिंह का वादा है। दारजी आज मैं बहुत खुश हूं जी, क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं जी? देखो लाके पुत्र, आज से पहले जो कुछ भी हुआ लाजो पहन जी को वो सब पता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि लाजो पहन जी को ये ब्याह मंजूर होगा। दारजी आप बेबे की बिल्कुल चिंता ना करो जी। अरे बेबे तो सिमरन जी को कब से अपनी बहू मान चुकी है, वो जस मैडम के लगाए हुए इल्जामों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। भारजी मैं आज ही बेबे को बोलता हूँ आपके पास आने के लिए। ना ना लाके पुत्र, लाजो पहनजी तो इस रिश्ते को लेकर पहले ही आ चुकी हैं, अब तो मेरी बारी है। वैसे भी मैंने लाजो पहनजी को कहा था कि एक दिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके घर आऊंगा। जाओ और जाकर लाजो पहनजी को ये संदेशा दे दो कि गुरनाम सिंह सिमरन का रिश्ता लेकर उनके घर आ रहा है। छोड़ के